لبیاں نہیں بسلا لبیاں نہیں مفت جیتیاں نہیں بسلا لبیاں نہیں تر جاوان ایک بار دے ماما لبیاں نہیں تر جاوان ایک بار دے ماما لبیاں نہیں एक वर्ष तक
दूतों के साथ उस धर्मराज की नगरी तक पहुंचने में लग जाते हैं। अपने बंधु बांधवों द्वारा दिए गए मासिक श्राद्ध, द्विमासिक श्राद्ध, त्रिपाक्षिक श्राद्ध को वह जीव जो है जमदूतों के साथ भक्षण करता है और इस तरह एक वर्ष तक जो है धर्मराज की नगरी में पहुंचता है। जब दशाह कर्म होता है तो उसके उपरांत 11वें दिन या 13वें दिन विधिवत क्रियाकर्म की विधि को संपन्न किया जाता है, जिससे जय जो जीव है वो अपने पितरों की श्रेणी में सम्मिलित होता है। कहते हैं कि जब तक दशा कर्म के भीतर भीतर जिसका दशा कर्म नहीं होता है उसका प्रेतत्व आजीवन भी समाप्त नहीं होता, और जिसके जे क्रियाकर्म विधि विधान से समझा जिसी ढंग से हुआ और आज जे किसी नगर की महारानियां बनने वाली है, कितने बड़े सौभाग्य की बात है। कई बार हम अक्सर जो सोचते हैं वो वाक्य होता नहीं और जो होना है उसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। जिन्हें तुसी इस परिवार के नाल दुख संकट करने वास्ते आए हैं, परिवार ताड़ा एक एक पैर जड़ा है वो सिर मथे है, ताड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। साढ़े बहुत सत्कार योग साहब संगत सिंह खिलजी MLA साहब, उन्होंने भी आना सी पर अज शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहीदी दिवस आ, वो इस करके अज उन्हों की जी ड्यूटी है जहान खेला लगी है, उत्थे सारा जिला इकट्ठा होया। मैं यही परमात्मा अगर अरदास करूँगा कि ये परिवार हमेशा दिन दुगुनी रात चुगुनी तरक्की करे, जिहड़ा इन्हां नूं घाटा पिया आ वो परमात्मा कृपा करे, इन्हां नूं हिम्मत बख्शे कि ये तगड़े हो के लड़ाई लड़न। तो साढ़े मंगलदास जी जिहड़े कि बड़े भलेमान शरीफ बंदे ने, हमेशा ही परमात्मा उन्होंने दिन चढ़ती कला बख्शे। ओम शांति शांति शांति। अज का दिन जिहड़ा अज की घड़ी पटवार परिवार वास्ते बहुत ही दुखदायक समा है, क्योंकि मैं तो पहले MC साहब ने सारा कुछ दसिया, लेकिन मन च यह सी कि असी भी हुशियारपुर तो काफ़ी स्टाफ आया हुआ फूड सप्लाई डिपार्टमेंट तो, क्योंकि असी पटवार साहब नाल अंगलदास जी नाल कट्ठिया ने नौकरी की है, वो सारा स्टाफ कमियाद रिटायर भी हो चुका, वो भी सारा आया हुआ, भाटिया साहब आए हुए, रविंदर शर्मा जी आए हुए, गरदारी नाथ जी आए हुए, तो इस तरह सो आज की जी दुख की घड़ी है ये बहुत गहरी है। असं इस दुख की घड़ी इन्हों शामिल हुए हैं, इन्हों के दुख को साझा करने शामिल हुए हैं, लेकिन इस दुख का सामना सारी जिंदगी इन्हों करना पैना और ये बहुत ही दुखदायक गल है। यो ही साड़ी श्रद्धांजलि है इस मैडम सुषमा जी को कि परमात्मा इन्हों अपने चरणों में निवास देवे, आत्मा शांति देवे, परिवार को यह भाणा मनन का बल बख्शे। यो ही साड़ी श्रद्धांजलि है। ओम शांति शांति।
इस बात का दुख अधिक होता है कि जो अपनी अधूरी आयु को प्राप्त करके ही इस संसार को छोड़कर चला जाता है, अपने जीवन के कई कार्यों को अधूरा छोड़कर इस संसार से चला जाता है, उसके जाने में ये दुख की क्षुधा और अधिक बढ़ जाती है कि ये जीवन झूठा है और मृत्यु जो है महामंत्र का मनन जप करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी है। तो श्रम का उल्लेख है, जिसमें से वेदों के साथ साथ पुराणों का उल्लेख भी भगवान के मुखारविंद से हुआ है और पुराणों वेदों के कारण ही ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में वेदों और पुराणों में अथाह योगदान के संदेह नहीं है। समस्त प्राण जो हैं अनादि हैं, नित्य हैं और इन कुल 18 महाप्राणों में से श्री गरुड़ महाप्राण जी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस पवित्र प्राण में मानव जीवन का कल्याण, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और मृत्यु के विषयों को लेकर के पूरा प्रकाश डाला गया है। अतः जो भी निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण भाव से श्री गरुड़ महाप्राण का श्रवण करता है उन्हें असीम शांति प्राप्त होती है। बोले श्री गरुड़ भगवान की जय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा। 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 प्रश्न किया कि हे प्रभु,
हे महात्मा आप में सुनना चाहते हैं तो व्यास पर बैठे विष्णु जी महाराज ने शौनकार या काश्यप या ऋषियों से कहा कि आपने जन कल्याण के लिए ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जिस तरह बैकुंठ धाम में ये विषयों को लेकर के और मृत्यु के उपरांत होने वाले कर्मों के विषयों में लेकर के सविस्तार पूर्वक जे वृतांत गर्व जी को सुनाया था, उसी वृतांत को मैं सार रूप से आपको कहूंगा। तो सूर्य जी कहते हैं ये शौनकार ऋषियों प्राण वायु आदि के निकल जाने पर जय शरीर, जिस तरह कोई वृक्ष जो है काट दिया जाता है, प्राणों के निकल जाने पर निसहाय होकर के धरती पर गिर पड़ता है। कहते हैं कि जब इस शरीर में से ये प्राण वायु निकलता है तो 100 बिच्छुओं के काटने से जितना तकलीफ होती है, दर्द होता है, उसमें कि वह पल या क्षण उतनी वेदना और उतने कष्टकारक होते हैं। और फिर जमराज जी के दूत जो हैं उसी समय इस प्राण वायु के निकलते ही उस आत्म रूपी जो अंगुष्ट मात्र शरीर है उसको पकड़ लेते हैं और प्राणों के निकलते समय में ही वह जो अंगुष्ट मात्र जीवात्मा है उसको तत्क्षण वो धर्मराज के दर्शन करवाते हैं और पुनः इस धरती लोक पर वापस लेके आते हैं। जम दूतों के द्वारा काल पाश के द्वारा बंधे रहने के कारण वह जीव उस शरीर में पुनः प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन पाश की रस्सी से बंधे होने के कारण वह जीव जो है उस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। सबको जो है रोता बिलखता छोड़कर और वह आत्मा भी उसमें बड़ी शोकाकुल अवस्था को प्राप्त करके वहां से चलायमान हो जाती है। फिर सब धर्म परंपरा के अनुसार जो मृतक शरीर है उसका अग्नि संस्कार इत्यादि के लिए उसको तैयार किया जाता है। प्रथम जो है जहां पर मृत्यु प्राप्त होती है उस स्थान पर जो है पिंडदान किया जाता है, घर के द्वार पर पिंडदान किया जाता है। जहां अग्नि संस्कार होता है वहां पर जो है दो पिंडदान किए जाते हैं। कहते हैं कि इन पिंडदान कर्म करने से जो मृतक शरीर है उसकी शुद्धि होती है और जिस मृतक शरीर से अंगुष्ट मात्र जीव निकल कर गया होता है उसको जो है इन पिंडदान करने से शांति प्राप्त होती है। फिर इसके उपरांत भू संस्कार तैयार करके अग्नि संस्कार किया जाता है। तीसरे या चौथे दिन में अस्थि संचय अस्थियों को इकट्ठा करके
हरिद्वार में जाकर के गंगा जी में विसर्जित किया जाता है और उसके उपरांत दस दिन के भीतर दशाकर्म दशगात्र विधि से कर्म किए जाते हैं। 10 दिन के भीतर 10 पिंडदान दिए जाते हैं। कहते हैं कि वह जीव जो है जब इस शरीर से निकलता है तो वह एक अंगुष्ठ मात्र शरीर को धारण करता है, लेकिन जब 10 दिन के भीतर 10 पिंडदान दिए जाते हैं तो उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को त्याग करके वे एक हाथ के प्रमाण का शरीर जिसको जातना शरीर कहा जाता है इसको प्राप्त करता है और फिर इसी जातना रूपी शरीर को 1 वर्ष तक दूतों के साथ उस धर्मराज की नगरी तक पहुंचने में लग जाते हैं। अपने बंधु बांधवों द्वारा दिए गए मासिक श्राद्ध द्विमासिक श्राद्ध त्रिपाक्षिक श्राद्ध को वह जीव जो है जमदूतों के साथ भक्षण करता है और इस तरह 1 वर्ष तक जो है धर्मराज की नगरी में पहुंचता है। जब दशा कर्म होता है तो उसके उपरांत 11वें दिन या 13वें दिन विधिवत क्रिया कर्म की विधि को संपन्न किया जाता है, जिससे जय जो जीव है वो अपने पितरों की श्रेणी में सम्मिलित होता है। कहते हैं कि जब तक दशा कर्म के भीतर भीतर जिसका दशा कर्म नहीं होता है उसका प्रेतत्व आजीवन भी समाप्त नहीं होता और जिसके जे क्रियाकर्म विधि विधान से संपन्न नहीं होते हैं वे भी जीव जो है अपने पितरों की श्रेणी में ना सम्मिलित होकर के प्रेत ही बना रहता है। इसलिए शास्त्र मत के अनुसार ये समस्त जो क्रियाकर्म है पूरे विधि विधान के साथ संपन्न होने चाहिए। जिसके जे क्रियाकर्म शास्त्र मत के अनुसार शास्त्र विधि के साथ संपन्न होते हैं जाने अनजाने में कोई अगर उस जीव से अपने जन्म में कोई ऐसा पाप कर्म भी हुआ होता है तो इस क्रियाकर्म के प्रभाव से उसे इन पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और क्रियाकर्म के प्रभाव से वह जीव भी जो है उस परम तत्व को प्राप्त हो सकता है। इसी के उपलक्ष्य में मैं एक पुरातन इतिहास आपके समक्ष विचार करता हूं। कहते हैं कि त्रेता युग में एक भगुनवाहन नामक राजा हुए। वो बड़े धर्मशील राजा थे और पुत्र की तरह अपनी प्रजा का पालन पोषण करते थे। बड़ा समृद्ध उनका राज्य था। एक बार वो सेना को लेकर के किसी वन में शिकार के लिए निकले। जब वो शिकार के लिए निकले तो किसी दूर घनघोर जंगल में जाकर के उन्होंने किसी हिरण का शिकार किया। जैसे ही उन्होंने अपनी तरकश से तीर निकाल कर एक हिरण को मारा तो वह हिरण जो है उस तीर को लेकर के अदृश्य हो गया। तो वह राजा जिस हिरण को तीर लगने से उसके पीछे पीछे खून के निशानों को देखता हुआ उसका अनुसरण करता हुआ उस
उसके पीछे पीछे चला और कहते हैं कि उस हिरण का पीछा करते करते उस राजा की जो उसके साथ सेना थी, सिपाही थे, वो कहीं जंगल में खो गए। तो वो राजा भी इस परिश्रम से बहुत थक चुका था। फिर जंगल में देखता है कि एक सरोवर है, वहां पर जाकर के उसने जलपान किया, स्नान इत्यादि किया और सरोवर के पास देखता है कि एक बहुत बड़ा बट का वृक्ष है और उसके नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। तो कुछ देर में राजा देखता है एक बड़ा भयंकर ये राजा और आकर के उस राजा के पास आया और कहने लगा श्रेष्ठ राजा जो है सबका सखा सब के होने के कारण ये मेरे किसी भी काम के नहीं, क्योंकि जिसका प्रेतत्व समाप्त नहीं होता आपके दर्शन मात्र से मेरा ये दूसरा प्रेतत्व जो है अपने इस पूर्ण प्रेत क्रिया को संपन्न करने के लिए आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे लिए ऐसा प्रयास करें ताकि मैं इस प्रेत जोनी से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊं और मैं उस परमपिता परमात्मा के परम धाम को प्राप्त हो सकूं। ध्यान हुआ, लेकिन जब प्रेत राजा के पास आकर के वार्तालाप की तो वो उस प्रेत से पूछता है कि हे प्रेत, तूने जे इतना दुस्सह है जो सहन करने की योग्य नहीं है, जे प्रेतत्व किन कर्मों के करने से प्राप्त किया? तो प्रेत कहता है कि राजन श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं किया है, लेकिन किसी प्रकार का होने के कारण किसी ने मेरा मृत्यु के उपरांत कोई भी ऐसा क्रियाकर्म जो है नहीं किया और इसके ना करने से ये मेरा प्रेतत्व खत्म नहीं हुआ, लेकिन आज इस जंगल में इस वन में आपको देख करके और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप जो है मेरे इस प्रेतत्व योनि के समाप्त होने के लिए जो शास्त्र भी और मैं इसके उपलक्ष्य में आपको एक दिव्य मणि देता हूं। तो कहते हैं कि इस समय वो प्रेत और बब्बू हरमहन राजा आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तो राजा को ढूंढते ढूंढते हुए प्रेत के बताए हुए विधि विधान से उस प्रेत के निमित्त ये समस्त क्रियाकर्म जो है संपन्न कराया। संपन्न होने से वह प्रेतत्व जो है वह प्रेत जो है उस प्रेतत्व से मुक्त होकर के अपने पितरों में सम्मिलित होकर के उस परम धाम को प्राप्त हो गया। अगर यही क्रियाक्रम श्रद्धा निष्ठा के साथ अगर अपने सगे संबंधी बंधु बांधवों के द्वारा किया जाए तो कौन ऐसा जीव जो है वो इस प्रेतत्व या पितर योनि से मुक्त ना हो सके। राम कृपा बिनु सुलभ।
ऋषि वशिष्ठ जी भर से कहते हैं कि भर जी जे विधि का विधान बहुत विचित्र है। जे जन्म मरण लाभ हानि जश अपजश सब भगवान के हाथ में है। और जे कर्म की गति भी बड़ी विचित्र है। इसी संदर्भ में एक पूर्व इतिहास कहते हैं कि एक बार जमराज जी ने अपने एक देवदूत को इस पृथ्वी लोक पर भेजा। अब जमराज के देवदूत आएंगे तो उसके आने का प्रयोजन भी एक विशेष होगा। तो जब देवदूत इस पृथ्वी लोक पर आता है तो देखता है कि स्त्री है जिसके आगे उसकी तीन बेटियां हैं और वो बड़ी छोटी छोटी थी। जमराज महाराज से आदेश प्राप्त था कि आप जाकर के इस औरत के प्राणों को हरण करके ले आओ। तो कहते हैं कि जो धर्मराज का दूत इस धरती पर आया तो उसने जो सब विलक्षण बातें देखी कि उस स्त्री की तीन छोटी छोटी बेटियां हैं और उसकी बेटियां इतनी छोटी हैं कि उनका कोई लालन पालन पोषण ही नहीं कर सकता, तो मुझसे ये देखा नहीं गया और मैं खाली हाथ वापिस आ गया। मैं उसके प्राणों का हरण नहीं कर सका। तो धर्मराज जी कहते हैं कि दूत तूने एक बहुत पाप कर्म किया है, क्या तू उस परमपिता परमात्मा से बड़ा हो गया? क्या विधि के विधान को बनाने वाले से तू बड़ा हो गया? ना मान करके अपने मन से खाली हाथ चला आया तो जा, तुझे इस बात की जो है सजा प्राप्त होगी। तो अब वो दूत कहता है कि महाराज अगर मैंने ये पाप कर्म किया है और इस पाप कर्म करने की जो भी सजा है, लेकिन जब तू इस पृथ्वी लोक पर याद करके तीन बार हंसेगा तो उसमें तेरा आगमन जो है इस धर्मराज की नगरी में होगा। तो वो दूर सोचता है कि धर्मराज को पता नहीं क्या हो गया, इन्होंने अगर मुझे सजा भी दी तो क्या सजा दी कि पृथ्वी लोक पर चला जा और जब तू तीन बार हंसेगा तो तेरा पुनः इस धर्म की नगरी में आगमन। और उसके पास तो कोई वस्त्र भी नहीं था,
तो वो ठंड के मारे इस सड़क के किनारे इस वृक्ष के नीचे ठिठुर के बैठा हुआ था। कहते हैं कि उसी समय एक मोची सर्दी के मारे ठिठुर रहा है तो उसे वो देखा ना गया और उसने जाकर के उससे पूछा कि भले मानस तू जहां सड़क के किनारे बैठा है और इतनी सर्दी से तू ठिठुर रहा है, तेरे पास का कोई वस्त्र नहीं है? तो वो देवदूत कुछ समय के लिए तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वो मोची बोलता है कि कोई बात नहीं, आ तू मेरे साथ चल, मैं तुझे नए वस्त्र खरीद के देता हूं ताकि तेरी सर्दी तो दूर हो सके। कहते हैं कि उस मोची ने उसको सर्दी वाले नए वस्त्र ले दिए। तो मोची कहता है कि ठीक है, अभी मैं अपने काम पे जा रहा हूं, तो अपनी जगह जा। तो उसकी मन में फिर एक बात आई, अरे क्या तेरे पास कोई अपना घर बार है या नहीं है? तो वो कहता है कि मैं वैसे ही देवदूत हूं, लेकिन मेरे पास तो कोई घर बार है नहीं। अब मोची ये बात समझाने कि देवदूत हो सकता है इसका नाम हो। तो वो कहता है कि बात ये है कि मैं तुझे अपने घर ले चलता हूं, लेकिन ऐसा है कि मेरी धर्म पत्नी का स्वभाव बड़ा गर्म है, वो बहुत कुछ बुरा भला कहेगी सुनाएगी, लेकिन तू बुरा मत मानियो और चुपचाप खड़े रहना। तो कहते हैं वो मोची जो किसी काम से घर से निकला था, अपना काम तो उसने किया नहीं, और उस देवदूत को अपने साथ लेकर के अपने घर आ गया। और जैसे ही वो घर में आया तो मोची की वो धर्मपत्नी वो पूछती है कि आप अपने बच्चों के लिए वस्त्र लेने के लिए गए थे, वो वस्त्र कहाँ है, आप खाली हाथ आ गए? तो वो कहता है कि मेरी प्रिय भामिनी कि मैंने उन पैसों से एक अनजान व्यक्ति है इसके लिए मैंने वस्त्र इत्यादि का प्रबंध कर दिया और मैं अपने बच्चों के लिए वस्त्र नहीं ला सका। तो कहते हैं कि उसकी धर्म पत्नी ने बड़ा बड़ा बोला उसको, मतलब कहा, और वो देवदूत ये सब कौतुक देख रहा था। अभी ये वार्तालाप वो पति पत्नी में हो रही थी कि इतने में वो देवदूत अपने मन में हंस रहा था, मन में सोच रहा था, सोचते सोचते उसे हंसी आ गई और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तो मोची कहता है कि अरे तू पागल है, जहां मैंने तेरी सहायता की और अपनी धर्म पत्नी से मुझे डांट डपट पड़ रही है और तू हंस रहा है। तो वो देवदूत मन में सोचता है कि देखो भगवान की कितनी विचित्र लीला है कि ये इस मोची की धर्म पत्नी इसकी सोच कितनी छोटी है, जिसने अपने बच्चों के वस्त्रों के बारे में सोच रही है, लेकिन ये नहीं जानती कि ये मोची अपने साथ घर में किसको लेकर के आया है। वो कहता है कि मैं एक देवदूत हूं और देवदूत अगर घर में आ जाए तो उस घर की स्थिति परिस्थिति सब कुछ बदल जाएगी, इनको ये पता नहीं है। तो इस बात पे वो हंसता है। तो जब मोची पूछता है कि तू हंस क्यों रहा है, तो कहता है जब मैं 3 बार हंसूंगा तो तुझे सब विस्तार पूर्वक बताऊंगा। कहते हैं कि 1 सप्ताह के भीतर भीतर उस देवदूत ने उस मोची का सारा काम सीख लिया। अब उसके वो जूतों की मशहूरी, उसकी विक्रेता इतनी बढ़ गई कि बड़ी दूर दूर तक
उसके जूतों के चर्चे होने शुरू हो गए, जहाँ तक के राजाओं महाराजाओं को महलों में उसके जूते जाने लग पड़े। तो करते करते वो दिनों सालों में ही जो है एक बहुत अमीर सेठ बन गया। कुछ समय के बाद उस मोची को एक सम्राट के जूते बनाने का ऑर्डर प्राप्त हुआ और उस सम्राट के भेजा हुआ दूत उस मोची के पास आता है कि हमारे सम्राट ने एक बहुत स्पेशल चमड़ा मंगाया है जिसे सिर्फ उनके ही जूते बनेंगे, तो बड़े ध्यान से ये जूते बनाना, कहीं इसके पतावे वगैरह ना बना देना, कुछ और ना बना देना। तो उस मोची सेठ ने अपने उस देव दूत को आदेश दिया कि ऐसे ऐसे फलां-फलां नगर के सम्राट के जो जूते बनने का ऑर्डर हमें प्राप्त हुआ है, तो उसके बड़े ध्यान से तूने जूते बनाने हैं। लेकिन भाग्यवश वो देवदूत है, वो जूते बनाने की बजाय पतावे जैसे जूते उसने बना दिए। और कहते हैं कि जब उस मोची को पता लगा कि इस देवदूत ने जूते नहीं बनाए बल्कि उसकी जगह पतावे बना दिए, तो वो उसको बहुत डांट डपट लगाता है कि जे तूने क्या किया, वो सम्राट है और अगर उसके से जूते प्राप्त नहीं हुए तो वो हमें सजा देगा, तो अब क्या बनेगा। अभी वो मोची सेठ जो है उसको डांट डपट लगा रहा था, तो इतने में उस सम्राट का एक दूत और आया और कहते हैं, वो कहता है कि अरे सेठ, जो हमने आपको जूते बनाने को कहा था वो अब आप जूते ना बनाना, उसके पतावे ही बनाना। कहता क्या बात होगी। कहता जिस सम्राट के जूते आपने बनाने थे उसका देहांत हो गया, और कहते कि उस नगर में एक ऐसी रीति रिवाज था कि जब भी किसी की मृत्यु होती थी तो वो उसको पतावे बना करके ही उसको संस्कार के लिए ले जाते थे। तो वो मोची सेठ उस देवदूत से क्षमा प्रार्थना करता है कि अरे मैंने तुझे अनायास ही इतना डांटा डपटा, लेकिन तूने जो बनाया था बहुत विचित्र बनाया। कहने का अभिप्राय है सोच में बड़ी सीमित दायरे तक सोच सकते हैं, कल क्या होगा किसी को कोई पता नहीं, पीछे जो गुजर गया है उसके बारे में याद करने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन जो वर्तमान बीत रहा है अगर समय के इस प्रभाव को हम अच्छे से समझें, विचारें और वर्तमान में जिएं, तो ये जीवन सार्थक हो सकता है। अब इस बात पर भी वो देवदूत जो है दूसरी बार फिर हंसा। तो जब हंसा तो सेठ पूछता है कि अरे देवदूत तू क्यों हंस रहा है। कहता जब मैं तीसरी बार हंसूंगा तो तुझे इस विस्तार पूर्वक बताऊंगा। कहते हैं कि कुछ साल बीत जाने बाद एक बार एक कोई सेठानी उस मोची की दुकान पे आई और उसने तीन लड़कियों के जूते बनाने का आदेश जो है उस मोची सेठ को दिया। तो जब वो आदेश दे रही थी तो वो देवदूत उसी स्थान पर था, तो वो क्या देखता है कि उसको वो पूर्व समय का बिलता मुझे आदेश दिया था और मैं ना ला सका। लेकिन ये बेटियां तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बड़ी बड़ी महारानियां हैं, तो उन बेटियों के साथ एक बूढ़ी मां थी
वो देवदूत उनसे पूछता है कि आप कौन हो और ये बेटियां आपकी क्या लगती हैं। तो देवदूत कहता है, वो माता कहती है, वैसे तो ये मेरी बेटियां हैं, लेकिन हुआ ऐसा था कि बहुत साल पहले किसी कारणवश इनकी माता का देहांत हो गया और इनको कोई पालने पोषने वाला नहीं था और भाग्यवश मेरे भी कोई संतान नहीं थी, तो मुझ पर इन पर बहुत दया आई और मैं इनको अपने घर ले गई। उसी समय से मैंने इनको अपनी बेटियों से बढ़कर इनका पालन पोषण किया, इनकी अच्छी पढ़ाई करवाई और आज कुछ समय के बाद इन तीनों बेटियों का मैं राज घराने के साथ इनका विवाह। तो वो देवदूत इतना सुनने पर बात हंसता है कि उस भगवान की बनाई हुई जो कर्म गति का विधान कितना विचित्र है कि अगर शायद उस समय मैंने इनकी माता को नहीं लेके गया या और कोई दूत आकर के इनकी माता के कानों को लेकर के चला गया और अगर जे बेटियां उसी माता के पास रहती तुझे राजसी ढंग से हुआ और आज जे किसी नगर की महारानियां बनने वाली है, कितने बड़े सौभाग्य की बात है। कई बार हम अक्सर जो सोचते हैं वो वाक्य होता नहीं है और जो होना है उसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। वो देव जो है धर्मराज के नगर को चला जाता है। बोल श्री भगवान की जय। श्री मंदिर सुषमा रानी जी की आत्मा की शांति के लिए सभी मिलकर तीन बार गायत्री महामंत्र का जाप करेंगे। ओम तरीम दे रहे थे और अपनी सास नूं बहुत ज़्यादा प्यार करते
ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੜਾ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗਲ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਠੀ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਡੱਡੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੋਰ ਗਏ ਆ, ਉਸੇ ਡੱਡੀ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਔਰ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ DFSC ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜੀਪੁਰ, ਮਹਾਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਡਾਕਟਰ ਰੇਖੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਿਸ਼ਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਹਾਨ ਖੇੜਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁੱਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਇਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਗਲ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਭਲੇ ਮਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸੱਜਣ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਪਟਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਸਟਾਫ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮੰਗਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਕਮਿਆਂ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਗਰਦਾਰੀ ਨਾਥ ਜੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ,
गर्भ पुराण कथा विचों देखो साड़ियाँ बहुत सारिया माता भैन इन्होंने बड़ा अपना चर्चा जी जारी रखी। ये बहुत माड़ी गल है क्योंकि असं घरों भी समा टाइम कटते हैं घरद का भी समा गवाया इतने आके भी असी वो दुख की घड़ी में दुख की घड़ी की तरह नहीं असी बतीत किया। ये बहुत माड़ी गल है अगे वास्ते असी इस गल का ध्यान रखिए। पटवाल साहब नाल बहुत समय तो असी नौकरी करते आए हूँ असं रिटायर हो चुके हैं भावें पर साडा संबंध साडा प्यार इस परिवार नाल उन्ना ही है। पटवाल साहब ने बहुत अपने संघर्ष मई जीवन में बतीत किया। समा जदों के बच्चा मुंडा जदों बेटा तकड़ा होंगे ना तो माँ बाप और बेटे का समा कट्ठा गुजारना बहुत ही जरूरी होंगे और बहुत वधिया समा होंगे। लेकिन पटवाल साहब का वो समा जवानी जदों इन्होंने जवानी चाहे इन्होंने बाप तो जरा साया सिर तो इन्हें परिवार सिर तो उठ गया और बहुत हो गई बड़ी दुखदायक घड़ी लेकिन इन्होंने अपने मेहनत नाल अपनी हिम्मत नाल अपनी लियाकत नाल इन्होंने उस संघर्ष जीवन पार करके और अज वह बहुत ही अच्छे परिवार की सिरजना करके अब बहुत ठीक समय ठीक जगह पर अच्छी जगह पर अच्छी पोस्ट हुए नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अज फिर जदों इन्हों का परिवार उस बैलेंस से आया इन्होंने उस परिवार को अपने बैलेंस से लिया लेकिन अब फिर वही इन्होंने दुख की घड़ी जी उनका सामना करना पै रहा बहुत ही दुखदायक समा है क्योंकि परिवार इंसान आदमी ओही इंसान अपने परिवार को अच्छे ढंग नाल अगे ले जा सकता अगे बधा सकता जिन्हों एक अपनी औरत का साथ सही ढंग नाल मिले। और ये लड़की पटवाल साहब की मिस सुषमा मैडम और आज सावत हुंदा कि इस परिवार को अगे ले जाने वास्ते इस लेडी का कितना सहयोग रहा होगा एडा वधिया समा। लेकिन दुखदायक घड़ी यही हैगी है कि परिवार खुशहाली जीवन जींदा जींदा अज यही योजे समय का सामना करना पै रहा जिहड़ा अज ये सारा सारी उम्र पहला उदों जख्म होया होगा इन्हों जदों एक पिता का सिरा सिर तो साया उठ गया और अज दुबारे वो भी जख्म फेक उरेदिया जा रहा कि इन्हां दे नाल दा साथी क्योंकि मियाँ बीबी का जो साथ है ना एक बहुत बड़ा साथ हुंदा उहदे नाल हुंदा बहुत बड़े बड़े दरिया दुखां दे दरिया मुसीबतां दे दरिया जिहड़े उह पार कर लैंदा। लेकिन अज इन्हां नूं फिर उसे थां ते मुड़ के सट वजण नाल इह थल्ले नूं गिआ। एक पति दा पति दे साथी दा उहनां नूं साथ पिछड़ गया बच्चों के सिर तो माँ का साया उठ गया घर जो बजुर्ग सस है वो सिर तो एक वो को गोद चो एक नूह चली जाए क्योंकि जो बजुर्ग लेडी होंगी है घर असं महसूस करते हैं चाहे सहुरा हो सस हो जो बुढ़ापे में उन्होंने दुख तकलीफ समस्या होंगी है तो नूह नू बार मार लेकिन अज वो माई के गोद चो भी नूह का चले जाने बच्चों के सिर तो माँ का साया उठ जाना आदमी का साथी ने चले जाना मुड़ के उस अगले जोड़े समा है उन्हों पार करना उन्हों चलाना उन्हों व्यतीत करना बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता। लेकिन चलो बाकी परिवार बच्चों अच्छी शिक्षा भी नहीं होगी क्योंकि वही लेडी एक अच्छा साथ दे सकती है अपने पति को जिन्हों पिछों घरों अच्छे संस्कार मिले हो। पटवाल साहब नाल मेरा थोड़ा नज़दीकी रिश्ता भी है मैं इन्हां नाल कट्ठी नौकरी भी असी कीती है लेकिन क्योंकि इन्होंने पत्नी नूं सुषमा मैडम नूं पिछों परिवारक संस्कार मिले हुए नानके परिवार को संस्कार मिले हुए क्योंकि मैं थोड़ा सा नानके परिवार नाल मेरा कुछ संपर्क भी रहा सो आज की जिहड़ी दुख की घड़ी है ये बहुत गहरी है असीं इस दुख की घड़ी इन्हां नाल शामिल हुए हैं इन्हों के दुख को साझा करने लिए शामिल हुए हैं लेकिन इस दुख का सामना सारी जिंदगी इन्हों करना पैना और ये बहुत ही
दुखदायक गल है। यह साड़ी श्रद्धांजलि है इस मैडम सुषमा जी को कि परमात्मा इन्हों अपने चरणों में निवास देवे, आत्मा शांति देवे, परिवार को यह भाणा मनन का बल बख्शे। यह साड़े वालों श्रद्धांजलि है। ओम शांति शांति। कोई भी भोजन किए बिना जहाँ से रुखसत ना हो।